आसूस 55066 मॉडल का बोर्ड है, इसमें नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था। ये जो है R2424 रजिस्टर यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसमें हमारा लाइट नहीं आ रहा था, कीबोर्ड में हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा था, इससे पता चलता है हमारा डिस्प्ले आ गया, हमारा लोड भी प्रॉपर बन रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ आती हूँ एक नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाने वाली हूँ, वो है लैपटॉप रिपेयरिंग सॉल्यूशन, जो हमारे टीचर ने नहीं स्टूडेंट ने करके दिखाया है। वो भी काफ़ी जगह से, ये लैपटॉप का जो बोर्ड है वो काफ़ी जगह से छिड़के आया हुआ था, काफ़ी लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट भी करा था बट किसी से नहीं हुआ। बहुत सारे शॉप से रिटर्न आया हुआ है जो कि राजू जी ने रिजॉल्व करके दिए हैं, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताने वाले हैं आज कि ये नो डिस्प्ले की जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, इन्होंने कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। तो हेलो राजू जी। यस मैम। कैसे हैं आप सर? कहाँ से है सर आप? मैं तो मैम स्पेशली गोरखपुर से हूँ, बट कबीरी खास भजनपुरा में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो राजू जी, जैसे कि मुझे आपका फीडबैक मिला है कि आपने एक बहुत जगह से आपका ये लैपटॉप आया हुआ था और आपने खुद से इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, तो मैं चाहती हूँ कि इसका लाभ हमारे व्यूअर्स को भी मिले जिनके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आई हुई है। तो क्या आप हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड कर पाएंगे कि आपने कैसे ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया? जी सर, बताएं सर। मैम, ये हमारे हाथ में जो है वो आसूस 55066 मॉडल का बोर्ड है, इसमें नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था जी। तो पहले हम सबसे पहले हमने डीसी पावर सप्लाई दिया, तो उसके बाद हमारा ये प्रॉपर लोड नहीं ले रहा था। तो फिर हमने इस पे चेक किया, तो हमारा जो मेमोरी का ये रैम का चिप्स यहाँ लगे थे, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने इसको रिमूव किया। कहाँ पे लगा था? यहाँ पे लगा था मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इस साइड भी लगे थे, और ये हमारा चिप है, इधर सारे हमने निकाल के एसएमडी के थ्रू मैंने इसको रख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके बाद से हमने मल्टीमीटर से हमने सारा पावर सेक्शन चेक किया, हमारा प्रॉपर सारा 3-5 मोस्टली सारे हमारे पावर सेक्शन ओके थे, मिल रहे थे। बट हमने फिर सिस्टमेटिक डायग्राम में फिर भी हमने फिर डीसी पावर सप्लाई में लगाया, तो भी हमारा प्रॉपर लोड नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद हमने सिस्टमेटिक डायग्राम देखा, उसमें इसको प्रॉपर डिस्कनेक्ट करने के लिए हमारा यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। कहाँ पे? ये जो है R2424 रजिस्टर यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। पहला ये LVR रजिस्टर था, ठीक है। उसके बाद 10 किलो वाट का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद हमने फिर डीसी पावर सप्लाई से चेक किया, तो प्रॉपर हमारा लोड फिर भी नहीं बन रहा था। फिर हमने इसका एक अदर सेक्शन इधर भी है, हमने सिस्टमेटिक में देखा था, वहां से पता चला था कि ये ट्रैक का रजिस्टर है, तो उसको हमने प्रॉपर डिस्कनेक्ट करने के लिए फिर हमने ये वाले जो रजिस्टर यहाँ लगा हुआ था, देखो मैम, यहाँ से फिर हमने यहाँ लगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद हमारा जो सबसे बाद में हमारा GFX बनता है, तो हमारा यहाँ पे इन तो हो रहा था बट यहाँ पे आउट नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। फिर हमने डीसी पावर सप्लाई से चेक किया, तो हमारा प्रॉपर लोड बनने लगा था और डिस्प्ले आ गया। अच्छा अच्छा। अगर आपको हो तो मैं दिखा देता हूँ कीबोर्ड लगा के। जी बिल्कुल, आप हमें एक बार दिखाएंगे कि ऑन है नहीं है? ट्रिगर देखिए, मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ऐसे इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट कैसे चुटकियों में हल करते हैं, और सर आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये डिस्प्ले कैसे ऑन है। तो सर आप हमें दिखाओ। ठीक है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड में लगाता हूँ। देखिए ना, हमारा इसमें डिस्प्ले आ गया।
पहले हम इसमें हमारा लाइट नहीं आ रहा था, कीबोर्ड में हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा था, इससे पता चलता है हमारा डिस्प्ले आ गया, हमारा लोड भी प्रॉपर बन रहा है, पहले नहीं बन रहा था सप्लाई में, तो हमने इसमें जो इसका प्रॉपर डिस्कनेक्ट करने के लिए हमने रजिस्टर को रिमूव किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने दो रजिस्टर हमारे पीसीएस के पास हमने रिमूव किया है और इसके पीछे हमने दो रजिस्टर वो हमने सिस्टमेटिक में दिखा दिया। अच्छा 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 अच्छा, तो कैसा लग रहा है सर, आप तो काफी एक्सपीरियंस है, कितने आपका शॉप है क्या आपने? नहीं, मेरा कोई शॉप नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस कर रहा हूँ। तो सर क्या मतलब खान सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे टीचर है यहाँ पे लोग हुआ है ये? तो लोगों को यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए सर? आना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हैं कि सर कितना कॉन्फिडेंसली और इतना मतलब चुटकियों में इन्होंने ये चीज़ को रिजॉल्व किया है, इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को। और ऐसे नहीं, हमारे आए दिन हमारे सारे स्टूडेंट ऐसे ही अपने सिस्टम को अपने लैपटॉप को वो ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मोबाइल के साथ साथ हम आपको देते हैं लैपटॉप में भी बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट से बेस्ट सिलेबस, बेस्ट से बेस्ट आपको सारा कंटेंट, कोर्स कंटेंट, सारा चीज़ आपको मिलेगा। और गाइज मैं जल्दी आऊंगी नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार एंड आप सभी को एडवांस विशिंग यू हैप्पी दिवाली।